एनजीटी मनाली और मैक्लोडगंज में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर रोक लगा रहा है। एनजीटी ने कहा है कि ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। मनाली और मैक्लोडगंज में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर एनजीटी अब सख्त हो गया है और इसलिए पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश सरकार को भेज दिए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मनाली और मैक्लोडगंज में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। 29 जुलाई को जारी आदेश में एनजीटी ने नए व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार को मनाली और मैक्लोडगंज में कोई भी नया भवन ना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार को 3 महीने में रिपोर्ट भी एनजीटी के समक्ष पेश करने को कहा गया है। ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और जोन 4 और 5 में आता है। इसके साथ साथ व्यास नदी पर्यावरण व अन्य क्षेत्रों में पड़ रहे प्रभावों की रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है। आदेश के अनुसार विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार मानकर एनजीटी ने व्यावसायिक भवन निर्माण पर चिंता जताई है। आदेश में बताया गया है कि मनाली व मैक्लोडगंज में बिना योजना निर्माण किया गया है। नतीजन यह क्षमता से अधिक आबादी है और पर्यटकों के आने पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर ना तो कचरे के निष्पादन के लिए उचित व्यवस्था है और ना ही वाहन पार्किंग के लिए। विभिन्न विभागों के सर्वे में ये बात सामने आई है कि यहाँ भवन निर्माण में नियमों को धक्का लगा है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी द्वारा किए गए सर्वे में भी पता चला है कि मनाली और मैक्लोडगंज में लगातार दबाव बढ़ रहा है और मनाली में कूड़ा संयंत्र ना होने के कारण कचरा खुले में फेंका जा रहा है। यहाँ कोई ठोस नीति भी नहीं है। एनजीटी ने नगर परिषद मनाली और मैक्लोडगंज क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यावसायिक भवन निर्माण के ना करने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम के महापौर देवेंद्र जग्गी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे और मैक्लोडगंज में नए व्यावसायिक भवन बनाने के लिए 15 लोगों के आवेदन उनके पास पहुंचे थे जिन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम धर्मशाला ने मैक्लोडगंज पर पैनी नजर रखी है कि भविष्य में कोई भी व्यावसायिक भवन न बनाया जाए। कार्रवाई कर रहा है जो एनजीटी के जो ऑर्डर मैक्लोडगंज के लिए है जिसमें कि लिखा है कि मैक्लोडगंज में कमर्शियल बिल्डिंग पे बैन लगा दिया है, कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया गया है जिसको कि कॉरपोरेशन इंप्लीमेंट करेगा जो एनजीटी के ऑर्डर है। और भविष्य में कोई बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ना करे उसका ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और नई अप्रूवल के लिए लगभग 15 फाइल जो थी वो कॉरपोरेशन में आई हुई हैं जिसको कि अभी हेल्ड कर दिया गया है और उसके लिए लीगल ओपिनियन ली जा रही है कि उसमें क्या किया जा सकता है। जैसे ही ऊपर से कुछ ऑर्डर आएंगे लीगल ओपिनियन लेके उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। समाज सेवी व पूर्व कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मैक्लोडगंज में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर जो रोक लगाई गई है ये पहाड़ी राज्यों के लिए ऊपर बेहद अहम फैसला है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा फैसला आया है पहाड़ी राज्य के लिए कम से कम। अदरवाइज पूरे हिमाचल के जितने भी ग्रीनरी है उसको समाप्त करने का एक निश्चित साजिश चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। वन वन नाइट की वायलेशन करके लोगों को बड़े बड़े भवन बनाने के लिए लैंड्स दी जा रही हैं और बाहरी लोगों का यहाँ हिमाचल के अंदर कब्जा कराया जा रहा है। और ये जो डिसीजन है तो धर्मशाला के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। मैक्लोडगंज में जाके आप देखिए कि पूरे के पूरे मैक्लोडगंज को जो खोद के रख दिया है, पेड़ों को काटा जा रहा है, भवन बनाए जा रहे हैं, जबकि ये जोन 5 में आता है, ये जो है भूकंप ग्रसित एरिया है, इसमें बड़े भवन बना के अब उसके अंदर व्यावसायिक भवनों के अंदर काम करवाना या होटल्स बना के अगर उसके अंदर टूरिस्ट रहेंगे कभी भी कोई कैजुअल्टी होगी उसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसलिए ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन है ये बहुत बढ़िया है धर्मशाला के लिए और धर्मशाला की जो हेरिटेज है उसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया डिसीजन है। हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं।